मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। अच्छा, जब हम कह रहे हैं ना इंडिया में, हमने ये कहा था ना बेटा, देखो हमने कहा था कि इंडिया में 22% पुअर है, लेकिन क्या है पूरे देश में ऐसा नहीं है ना। जब आपने देखा शेड्यूल क्लास अलग है, शेड्यूल ट्राइब अलग है, लेबर कैजुअल लेबर अलग है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो इसी तरह से भारत के अलग अलग जो स्टेट्स हैं 28 जो आपके स्टेट्स हैं उनमें भी अलग अलग सिचुएशंस होगी। अब हमें समझना है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या है। पॉवर्टी का कि अलग अलग डायमेंशंस है, जो प्रपोर्शंस है पुअर का वो हर जगह एक जैसा नहीं है। किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा गरीब हैं और किसी में बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। ये सच है कि हमारा डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी, और ये कहता है कि द सक्सेस रेट ऑफ रिडक्शन पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर राज्य में गरीबी को ख़त्म करने का जो रिकॉर्ड्स है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो अलग ही है। अभी जो एस्टिमेट हमें डेटा दिखाते हैं उनमें ये दिखाया गया मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये क्या है, हैज़ अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। तो ये क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा भारत का जो एवरेज 22 है उससे ज़्यादा गरीब रहते हैं। और बिहार और उड़ीसा अभी भी भारत के सबसे गरीब स्टेट बने हुए हैं, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सुधार किया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल है। पंजाब और हरियाणा में ट्रेडिशनली वहाँ पर पॉवर्टी कम रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण। केरला हैज़ फोकस मोर ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। केरला ने अपने, आपको याद है हमने सेकंड चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं बताइए, क्या होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। उस पर केरला ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। इन वेस्ट बंगाल अभी COVID-19 के केसेस में भी देखा गया कि केरला वो स्टेट था जहां सबसे पहले कोविड आया था, क्योंकि वुहान में सबसे ज़्यादा केरला के स्टूडेंट मेडिकल साइंस पढ़ने जाते थे। ठीक है, मेडिकल के सस्ता है कि वुहान में, वहाँ से वो लोग आए और सबसे ज़्यादा केरला में फैला। लेकिन केरला ने बहुत और सबसे ज़्यादा डेड भी शुरुआत में केरला में हुई थी, लेकिन केरला ने कंपेरेटिवली उसको रोक लिया है, क्योंकि उनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म वहाँ पर किया गया, उसने पॉवर्टी को कम किया, यानी कि जो ज़मीन बहुत, एक के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिसके पास कम नहीं थी, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं थी या कम थी। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन, हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आपका, जो ये सरकारी सस्ते गली की दुकान से अनाज मिलता है जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, केरला ने भी, जिससे कि उनकी सिचुएशन सुधरी है। अगर हम राज्यों को देखें तो हम एक लिस्ट देखेंगे जिस, ये इकोनॉमिकल सर्वे 2017 और 18 का डेटा दिखाया गया है आपको। ठीक है, अब आप देखिए सबसे ज़्यादा गरीब आपके हैं बिहार में 33.7%। तो बिहार और उड़ीसा भारत के सबसे गरीब स्टेट है, अभी मैंने आपको बताया था, दिख रहा है आपको, ग्राफ अपने आप में कुछ नहीं बोलता, डेटा अपने आप में कुछ नहीं बोलता, डेटा को हमें कोरिलेट करना पड़ता है। दिखाया गया है पॉवर्टी रेशियो इन द सेलेक्टेड इंडियन स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेस आपका बिहार और उड़ीसा में, उसके बाद आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आपके गरीब बने हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 21.922 था, ये देखा ना आपने, तो इनका जो एवरेज है यहाँ से अगर हम देखें तो ये चार हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, इनका जो एवरेज है, ये जो ऑल इंडिया एवरेज है, ऑल इंडिया एवरेज कितना है 22, उससे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हम देखें सबसे कम गरीब जहाँ पे अभी हैं वो 7.1, केरला, हिमाचल प्रदेश 8.1, पंजाब 8.3 और आपका आंध्र प्रदेश, ये आपके राज्य हरियाणा या दिल्ली हैं, एक ये हमने देखा। दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, इफ आई गो देयर, इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन पॉवर्टी एनालिसिस, ये हिंदू का या टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ पेपर का मैंने एक कटिंग कहीं से मिला मुझे। पुअर इन द परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 2011-12 के बाद हमारे पास कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है। रंगराजन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, उन्होंने बताया 29.5 है, उनने जो मेथड्स अपनाया। ठीक है, मेथड्स का मतलब आप किसे गरीब कहेंगे, क्या सिर्फ इनकम कैलोरी या कंजम्पशन कैलोरी या इनकम पर मनी के हिसाब से देखेंगे या सैनिटेशन देखेंगे, एक्सेसिबिलिटीज़ देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। सुरेश तेंदुलकर एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 29.21.9 कहा, जिसे हमने ज़्यादातर माना है। वर्ल्ड बैंक ने दो बनाए, एक में वर्ल्ड बैंक ने कहा जो $1 और $1.9 था, उसने कहा कि 21% गरीब है, और एक ने वर्ल्ड बैंक ने कहा 12.4%, इसीलिए हम 22 के करीब मान रहे हैं। ये भी वही है कि एक लगदा वाला कमेटीज़ हैं, उसकी तो पहले की रिपोर्ट है तो मैटर नहीं है। तेंदुलकर और रंगनाथन कमेटी क्या क्या कहती हैं कि रूलर में 25 और इस तरह का उन्होंने डेटाज दिखाया। अब हम आते हैं ऑल इंडिया में क्या कंडीशन है। देखिए, ये तो पूरा इंडिया का कंबाइन है 29.8, वर्स्ट और बेस्ट स्टेट है बेटा। जो रेड वाले हैं वो वेस्ट स्टेट हैं। देखिए, वर्स्ट स्टेट में आपका आ गया उत्तर प्रदेश, झारखंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट के आसाम, ये सारे स्टेट हैं। और बेस्ट में केरला, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड का भी पार्ट दिखा रखा है इसमें, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये आपका दिखा रखा है वेस्ट में।
तो आप देखिए वेस्ट में दिखा रखा है, उत्तराखंड को दिखा रखा है, यहाँ पे 11.3% गरीब है, जिसमें अर्बन में 11 है, गांव में 10 है, हरियाणा में 11% पुअर है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 है, दिल्ली में 9.9 है, आंध्र प्रदेश में 9.2 है, पंजाब में 8.3 है, तो लगभग 10 के करीब है। एवरेज कितना है इंडिया का? 22। तो इसका मतलब तो बहुत कम है भारत के हिसाब से देखें तो। यहाँ पे इन राज्यों ने गोवा केरला बहुत अच्छी कंडीशन है, केरला 7.1 है, सबसे कम गरीब गोवा में और फिर केरला में दिखा रखा है अगर परसेंटेज देखें तो, इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। लेकिन वर्स्ट स्टेट में आपका छत्तीसगढ़ है, देखिए आप कितना है, टोटल एवरेज इंडिया का 22 है, इसका एवरेज है 40 के करीब। झारखंड 37, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम और मध्य प्रदेश सब 30 में है और 29 में उत्तर प्रदेश और कर्नाटका 20 में है। तो ये आपके वर्स्ट स्टेट हैं, हम देख रहे थे इंट्रा स्टेट क्या कंडीशन हमारे यहाँ। एक और ये है कि किस तरह से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है रूरल और अर्बन एरियाज़ में दिखाया गया है, तो लगभग उसी का एक्सटेंशन है जो अभी हम बात कर रहे थे, कहाँ हमारे स्टेट स्टैंड्स करते हैं। गुजरात में 21.4 हैं, गुजरात को मॉडल कहा जाता है, कहा गया एक समय पर्टिकुलरली। केरल में आप देखिए 1.1, आपने क्या किया है, पुअर पीपल इन इंडिया, ये 15 और 16 की एक लेटेस्ट स्टडी है, गवर्नमेंट की स्टडीज नहीं है, कहती है केरला में सिर्फ 1.1 गरीब है, जबकि गुजरात में 21% गरीब है, ठीक है, तमिलनाडु में 7 है। तो देखो साउथ के स्टेट कितना अच्छा कर रहे हैं, गोवा है, कर्नाटका है, तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन ये वर्स्ट करने वाले आपके यूपी, आप देख लीजिए यूपी में 40% है, एमपी में 40% है, बिहार में 52% है, और ज़्यादा गरीबी बढ़ी है बिहार में जो लेटेस्ट स्टडीज़ दिखाती है, और झारखंड में 45% है आप देखिए। तो ये तो रेड है आपका, और येलो जोन जो आपका दिख रहा है इसमें भी उड़ीसा 35%, छत्तीसगढ़ 36%, वेस्ट बंगाल 26%, आसाम 35%, अरुणाचल प्रदेश 20, राजस्थान 31%। तो ये वर्स्ट स्टेट हैं, तो बेस्ट करने वाले स्टेट आपने ये ऊपर दिख रखा है पीपल ऑफ द पॉवर्टी 0 to 10 वाले में आपके ये ग्रीन, डार्क ग्रीन है तमिलनाडु।